हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का नेक्स्ट चैप्टर जो कि बायोलॉजी से है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर है, या प्लांट्स के बारे में बात करेंगे हम। प्लांट्स में भी असेक्जुअल एंड सेक्जुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स जो है या एनिमल्स हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखे हैं, तो इस चैप्टर को हम तीन वीडियोस में, तीन पार्ट में फिनिश करते हैं। तो पहला पॉइंट इसका शुरू करते हैं हम, क्या है। तो पहला पॉइंट है आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उससे नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। और ये जरूरी क्यों होता है? देखा जाए तो हमारे अर्थ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर मान लो कि ऐसा हो कि कोई एक टाइप का स्पीसीज है, जैसे मान लो कि टाइगर है, अगर टाइगर के आगे रिप्रोडक्शन ना करे, वो नए टाइगर्स ना आए, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद अर्थ से सारे टाइगर्स खत्म हो जाएंगे। तो किसी एक स्पीसीज को बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है, और अर्थ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ एंड इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहां पे हम देखेंगे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है अपना असेक्जुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्जुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्जुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्जुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम केवल सेक्जुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, वो भी प्लांट्स के अंदर, और असेक्जुअल रिप्रोडक्शन को हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और सेक्जुअल रिप्रोडक्शन में भी जो केवल प्लांट वाला पार्ट है आज उसे फिनिश करेंगे, और जो एनिमल वाला पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्जुअल रिप्रोडक्शन और असेक्जुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, पहले भी ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देखना है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं सेक्जुअल रिप्रोडक्शन में, देखें तो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे जो मेल गैमेट या मतलब मेल सेक्स सेल होंगे और फीमेल सेक्स सेल होंगे, उनका जो फ्यूजन होगा उससे ही क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। इसमें देखें, इसमें क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इसमें कोई भी मेल गैमेट या फीमेल गैमेट नहीं होता, इसमें केवल एक ही पेरेंट पार्ट होता है जिससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल गैमेट का या मेल सेक्स सेल का और फीमेल सेक्स सेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा। सेकंड पार्ट की बात करें, इट रिक्वायर्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मींस क्या होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होने वाली है ना। यहाँ क्या होगा, इट रिक्वायर्स ओनली वन इंडिविजुअल, मींस केवल एक ही पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होगा उससे हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होने वाला है। थर्ड बात करें, द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड शो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहां देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखें तो जो ऑर्गन्स जो आता है रिप्रोडक्शन के बाद वो अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, थोड़े से वेरिएशन आता है। और वेरिएशन केवल पेरेंट्स से नहीं, अगर मान लो दो पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनमें भी क्या आते हैं, अलग अलग वेरिएशन आते रहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, वेरिएशन लेके आता है ना। मीन्स जो पेरेंट्स जैसे उनके बच्चे नहीं होने वाले, थोड़ा सा क्या आएगा, उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा बात करें, द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड आर हेंस कॉल्ड क्लोन्स। क्लोन मीन्स कहता है एकदम जुड़वा बोल सकते हो, मीन्स जैसे पेरेंट है सेम टू सेम उनके बच्चे होने वाले हैं, यहाँ कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, वेरिएशन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज्यादातर जो हमारे एनिमल है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बोथ सेक्जुअल एंड असेक्जुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में बात करें अगर हम, तो प्लांट्स सेक्जुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और असेक्जुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एनिमल्स की बात करें हम तो एनिमल्स केवल सेक्जुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्जुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एल्गी एंड फंगाई, है ना, जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जो है केवल असेक्जुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे फंगाई और एल्गी के बारे में दे रखा है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इट इज अ स्लो प्रोसेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत धीमे चलती है, मीन्स जो
नया ऑर्गन जायका उसको आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और ये क्या है, इट इज अ फर्स्ट प्रोसेस, ये थोड़ा तेजी से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज इवोल्यूशनरी इंपोर्टेंस, मींस क्या आता है, हमने देखा यहाँ वेरिएशन आते हैं, और जब वेरिएशन आ रहे हैं तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, है ना, बदलाव आएंगे। देखा था कि पहले जो इंसान थे कुछ बंदरों जैसे दिखते थे, है ना, और धीमे धीमे चेंज होके अब ऐसे हो पाए हैं। तो ये कैसा है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आए, हर जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं, और उसके बाद पूरा इवोल्यूशन हो पाया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इवोल्यूशन हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे पहले है वैसे ही वो शायद 100 या 200 जनरेशन के बाद जैसे पहले थे वैसे के वो वैसे ही दिखाई देंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए आपके सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इनको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको आपने पढ़ा होगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स, जो प्लांट्स फ्लावर बियर करते हैं, या जिनके अंदर क्या होगा, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं केवल, कि जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो सेक्सुअली पार्ट होता है, सेक्स जो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पे भी बात करेंगे इसके बारे में। तो एक फ्लावर देखते हैं, यहाँ एक फ्लावर दे रखा है, इसमें अलग अलग इसके पार्ट दे रखे हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा एक आपका पिस्टल, जिसको हम कार्पेल भी बोल देते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं हम मेल, सॉरी आप फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये आपका फीमेल पार्ट हो जाएगा फ्लावर का, जो कि आपको ये मिडिल में दिख रहा होगा, है ना। इसके तीन पार्ट है, फर्स्ट आपका ओवरी है, बीच में आपका स्टाइल, और सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा स्टिग्मा। ठीक है, और आगे बात करें, इधर बात करें मेल वाले पार्ट की बात करें, तो मेल पार्ट आपको ये दिख रहा होगा, जो कि यहाँ नाम लिखा है स्टेमन, जिसमें दो पार्ट है आपके, सबसे ऊपर आपका एंथर हो गया और नीचे आपका ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, अब ये पेटल्स हैं, पेटल्स जो आपका कलरफुल पार्ट जो दिखता है फ्लावर में, ये पेटल्स होते हैं। पेटल्स बहुत जरूरी होते हैं प्लांट्स के लिए, पॉलिनेशन के लिए। अभी हम आगे पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं, तो पॉलिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक अपना रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जो इंसेक्ट्स जो आते हैं, इंसेक्ट क्या करते हैं, इनकी खुशबू से, जो पेटल्स हैं इनकी खुशबू की वजह से इनके ऊपर बैठते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं, अभी हम आगे देखने वाले हैं। सेपल बोलते हैं, जो ये ग्रीन पार्ट हमें दिख रहा है, ये रिसेप्टिकल हो गया, जहां से ये अपना मेन जो अपनी ओवरी है या फ्लावर का जो बीच वाला पार्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारा मेल पार्ट हो गया फ्लावर का, हमें ये अच्छे से समझना है इनको, जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है फ्लावर के। ठीक है, तो पिस्टल या जिसका नाम कार्पेल भी होता है, और एक स्टेमन जिसमें आपका एंथर ऑफ फ्लामेंट था, जिसे बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, पहले इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है फ्लावर के, इनको देखते हैं। तो पहले फीमेल पार्ट देखते हैं, फीमेल पार्ट कैसा है आपका। ठीक है, ये आपका फीमेल पार्ट फ्लावर बनाया मैंने, जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट आपका है स्टिग्मा, जो बीच वाला पार्ट ऐसे बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे वाला पार्ट ऐसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं, तो ये अपना मेल पार्ट हो गया फ्लावर का, ठीक है, जिसमें इसका नाम होता है आपका फिलामेंट, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। ठीक है, और जो मैंने एंथर बनाए हैं, इस एंथर पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट पॉइंट जो किया है मैंने, इनको बोलते हैं हम पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, ये पूरा मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट का नाम बताया था अभी हमने स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का वो ये है, जिसे हम पिस्टल बोल सकते हैं,
या कार्पेल, है ना। ये है, अब बात करें तो ये पॉलन ग्रेन्स हैं इधर, और ये जो कि अपने मेल, जो मेल गैमेट कंटेन करते हैं, मेल सेक्सल होंगे इसके अंदर, ये अपना फीमेल पार्ट हो गया। इसके अंदर बात करें तो ओव्यूल कुछ इस तरह से इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है ये अपना मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। अब होता क्या है, सबसे पहले इसमें प्रोसेस आएगी आपकी पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होता है उसको समझते हैं पहले हम। पॉलिनेशन, चलो पॉलिनेशन समझने से पहले पहले हम एक पॉलिन ग्रेन को और एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या होता है इनके अंदर। तो अगर मैं पॉलिन ग्रेन की बात करूं एक, तो पॉलिन ग्रेन जो दिखता है हमें होता क्या है, इसके ऊपर कुछ स्पाइंस जैसे, है ना, कांटे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोलते हम एग्जाइन, और जो अंदर इसका मटेरियल है इसको बोलते हम इंटाइन। तो जो इंटाइन है इसके अंदर क्या होगा, जो प्लांट्स के अंदर रहता है ना, इसके अंदर आपके दो मेल गैमिट्स पाए जाते हैं, मींस दो मेल सेक्सेल पाए जाते हैं, ठीक है, गैमिट को हम सेक्सेल बोलते हैं, दो मेल गैमिट होते हैं, प्लस क्या होने वाला है, जो साइटोप्लाज्म होने वाला है, मींस पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर होने वाला है। और अगर बात करें हम एक फीमेल सेक्सेल की बात, सॉरी जो फीमेल पार्ट है इसका, उसकी बात करें तो वहां होता है केवल एक फीमेल गैमिट और वहां होते हैं आपके दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जैसे मैंने पिछले फिगर में बना के भी दिखाया था, क्या होता है दो फीमेल गैमिट, सॉरी एक फीमेल गैमिट और दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो बात करते शुरू करते हैं पॉलिनेशन से। तो पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन में क्या होता है, जो हमने देखा सबसे पहले कि जो एंथर है, एंथर से पॉलिन ग्रेन का यहां से उठ के स्टिग्मा पे आना, मींस जो हमारे पॉलिन ग्रेन से यहां से उठ के यहां आते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो है वो किसी के थ्रू हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं, जो प्लांट्स में पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, उस पे आते हैं, है ना। तो जब उस पे आते हैं तो क्या होता है, उनके पैरों से लग के, है ना, बहुत छोटे छोटे से ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनके पैरों से लग के इस तक पहुंच जाते हैं, चाहे ये हवा चलने से भी हो सकता है या बारिश के पानी से भी हो सकता है। इनको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, चाहे वो इंसेक्ट हो गया, चाहे हवा चल रही है ना, या वाटर हो गया, ठीक है। तो ये अपने क्या है, एजेंट्स हो जाते हैं पॉलिनेशन के। तो पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो एलिन पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। इसे देखें आगे, तो यहां डेफिनेशन लिखी हुई है, देख सकते हैं यहां पे। तो पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब अभी जो हमारा एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जो जाना है, अगर एक ही प्लांट पे होता है ना, एक प्लांट की, चाहे एक ही फ्लावर पे हो जाए या दो अलग अलग फ्लावर पे हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यही काम दो अलग अलग प्लांट पे होता है ना, एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन का दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाना, क्या होता है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ प्लांट ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट, मीन्स उसी जैसे किसी प्लांट पे जो कि दूसरे प्लांट पे पॉलन ग्रेन का जाना, ये क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद की बात करते हैं, इसे पॉलिनेशन याद दे रखा है।
ये सेल्फ पोलिनेशन है, इसे यहाँ तो एक ही फ्लावर में हो गया और यहाँ पे दो अलग अलग फ्लावर में, जो कि दो अलग अलग प्लांट में भी हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, तो यहां देखा हमने पोलिनेशन हुआ क्या होगा, जो हमारा एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी होगा क्या है यहां पे, तो अब जो अपने मेल गैमेट है और मतलब जो पोलन ग्रेन के अंदर जो था सारा मटेरियल, जो दो मेल गैमेट थे और जो अपना ओव्यूल के अंदर जो मटेरियल था सारा, जो ये क्या था, एक फीमेल गैमेट था और दो पोलन न्यूक्लियाई थे, ये मिलने वाले हैं। अभी होता किस तरह से काम कैसे करते हैं वो थोड़ा देखते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही पोलन ग्रेन यहां आता है स्टिग्मा पे आता है, तो क्या करते हैं ये, जैसे मान लो एक पोलन ग्रेन आता है यहां पे, अब क्या होता है जैसे ही इसके इसके ऊपर आता है, तो हमने देखा था अभी कि पोलन ग्रेन पे क्या होता है, थोड़े एक कांटे टाइप से स्पाइंस होते हैं थोड़े छोटे छोटे से, है ना ये, तो जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचता है, स्टिग्मा पे क्या करता है, थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, जो पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा पे जाके थोड़ा न्यूट्रिशन गेन करता है, और जैसे ही न्यूट्रिशन गेन करते हैं ये क्या करते हैं, स्वेल करना शुरू करते हैं, और जैसे ये स्वेल करेंगे इनके जो एग्जाइन है, जो एग्जाइन्स थे अपने, ये इससे निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना, टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं, और केवल क्या बचता है, एग्जाइन निकल जाएंगे यहां से, और जो इंटाइन है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे हम बात करें यहां से क्या होगा, ये स्वेल करेगा और आगे थोड़ा ट्यूब के फॉर्म में चलना आगे को शुरू करेगा, है ना, ये प्रोसेस बहुत धीमे धीमे होती है, इसी को बोलते हैं हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, जो कि धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा ये और इसके अंदर ये एंटर कर जाएगा। जिस जगह से ये एंटर करता है इस स्पेस को बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ट्यूब था, वो धीमे धीमे ग्रो करता है और ये इसके अंदर ओवरी के अंदर एंटर कर जाता है, और जब ये एंटर करेगा तो क्या होगा, जो मेल गैमेट थे और जो फीमेल गैमेट थे वो क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का मिलना ही क्या होता है, अपना फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो हमारे मेल गैमेट था, है ना, देखा था हमने क्या क्या था, यहाँ पे दो मेल गैमेट थे और इधर बात करें तो एक मेल गैमेट था और दो पोलर न्यूक्लियाई थे, है ना, तो होता क्या है, जो एक मेल गैमेट है वो दूसरे मेल गैमेट से मिलेगा, क्या होगा, एक मेल गैमेट क्या होगा, दूसरे मेल गैमेट से, दूसरे फीमेल गैमेट से मिलने वाला है, है ना, एक फीमेल गैमेट से मिलेगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वही देखा है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या फॉर्म करेंगे, ये जायगोट फॉर्म करेंगे, जो कि आगे जाके ग्रो कर जाएगा, किसमें, सीड में ग्रो करेगा, और जो एक मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट और बाकी जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एंडोस्पर्म, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बोल सकते हैं, इसी को बाद में कोटिलेडन बोल देते हैं। इसका काम क्या है, जैसे हमारा क्या है, जायगोट फॉर्म हुआ है ना, अब ये जो सीड है इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, क्या होता है, सीड जो है बाद में अगर ग्रो करता है, नया प्लांट बनता है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन उससे पहले इसको जो न्यूट्रिशन है कौन प्रोवाइड करता है, वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। ये एग्जाम में पहले पूछा डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में कैसे होती है, ये थोड़ा याद रखना, एग्जाम में पहले ही पूछी गई है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, एक आपका मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलके जायगोट फॉर्म करते हैं, जो कि बाद में आके सीड में चेंज हो जाता है, और दूसरा मेल गैमेट और बाकी दो पोलन न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाते हैं, आपका एंडोस्पर्म बनाते हैं, जो क्या करते हैं, जो सीड है उसको
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स प्लांट जो सीड है उससे प्लांट निकलेगा, उससे पहले उस सीड को जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ, अभी देखा हमने फर्टिलाइजेशन क्या था, जो फ्यूजन है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, है ना। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट जो कि आपका पोलन था विद द फीमेल गैमेट जो कि आपका ओवम है, उससे मिलना ही क्या होता है, उससे मिलकर जायगोट फॉर्म होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे काम करता है यहाँ पे, अभी आपको समझाया था मैंने, बना के दिखाया था, ये यहाँ देख सकते हैं एक बार फिर से। यहाँ क्या है, जो आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, क्या करता है यहाँ पे अपना न्यूट्रिशन लेता है, और जैसे न्यूट्रिशन लेगा इसके जो एग्जाइन है वो रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और एंटाइन इसका आगे की तरफ ग्रो करना शुरू करता है और कहाँ चलाता है, फीमेल जर्म सेल तक जो कि ओवरी में है वहां तक पहुंचता है और फ्यूजन हो जाता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ होता क्या है, केवल एक ही एग सेल नहीं होता, बहुत सारे एग सेल होते हैं। देखा होगा कि जब भी सेब में देखेंगे, सेब में बहुत सारे सीड निकलते हैं ना, संतरे में बहुत सारे बीज होता है, तो आते कहां से, क्योंकि सारे जो सीड होते हैं, सारे जो ओवम होता है वो सब फर्टिलाइज हो जाते हैं, है ना, इन पोलन ग्रेन से सारे वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, और इसीलिए हर फ्लावर में, सॉरी हर फ्रूट्स में बहुत सारे सीड हम देख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है कि एक जो बीज है वो कैसे बनता है। तो होता क्या है कि एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन लेने के बाद वो ग्रो करता है, पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, और पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद वो फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं और वहां पे सीड बन जाता है ना। आगे बात करें तो जो सीड है आपका वो क्या करता है, जो ओवरी थी हमने ओवरी देखी, ये ओवरी जो है इसके आसपास यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड फॉर्म हुआ, इसके बाद जो आपकी ओवरी है वो क्या करती है, उस वो ग्रो करना शुरू करती है फ्रूट में, वो फ्रूट में चेंज हो जाती है, और जो बीज होंगे उसके आसपास क्या आती है, फ्रूट की कवरिंग आ जाती है। देखा होगा जो बीज होते हैं बीच में होते हैं और उसके आसपास फ्रूट आ जाता है ना, क्योंकि जो अपनी ओवरी है वही फ्रूट में ग्रो कर जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जो सीड फॉर्म हुआ वो उसका जर्मिनेशन देखेंगे क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो अच्छी कंडीशन में सीड का एक नए प्लांट बदलना ही क्या है, जर्मिनेशन है। अच्छी कंडीशन क्या होती है, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट है, ऑक्सीजन है, और मॉडरेट टेम्परेचर, मीन्स अच्छा टेम्परेचर चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। जब ये सारी कंडीशन मिलती है तो जो सीड है वो एक छोटे से प्लांट में चेंज हो जाता है। इसकी प्रोसेस को हम देख भी सकते हैं कैसे काम करता है, यहाँ दिख रहा है, पहले एक सीड है जिसको भी देख सकते हैं। तो सीड के अंदर बात करें अगर हम, तो सीड के दो पार्ट होते हैं, जैसे मैं बना के दिखा देता हूं एक बार में। जैसे अगर सीड की बात करें तो सीड कुछ इस तरह से काम करता है। तो जब सीड ग्रो करता है तो उसके दो पार्ट में ग्रो करता है, एक ये नीचे की तरफ ग्रो करता है और एक ऊपर की तरफ, है ना, जो रूट वाला पार्ट है और जो शूट वाला पार्ट है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं हम रेडिकल, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि आगे जाके लीफ शूट वाले शूट में ग्रो करेगा, पत्तियां वगैरह निकलेंगी इसमें आगे, है ना, इसे बोलते हैं हम प्लूमूल। तो जो एक सीड है वो दो तरफ ग्रो करता है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड ग्रो करता है। जो नीचे तरफ ग्रो करता है उसे हम रेडिकल बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा उसे हम प्लूमूल बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ग्रो करता है एक सीड। तो एक सीड है, उसमें पहले क्या होगा, अपना कोटिलेडन जो था, है ना, जो हमने देखा एंडोस्पर्म, वहां से अपन न्यूट्रिशन लेता है, ग्रो करना शुरू करता है। फिर दिख रहा है हमें इसका नीचे वाला पार्ट जो कि रूट आना शुरू हुई है, फिर बाद में ग्रो करके पूरा एक नए प्लांट में, न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो ये आपका पार्ट था, केवल रिप्रोडक्शन देखा था हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।